अस्सलाम वालेकुम। खीर में एक ऐसी चीज़ डालें जो कि बहुत ही ज़बरदस्त खीर को बना देती है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फाइनल लुक। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये खीर तैयार हुई है। आज मैं आपको राइस कुल्फ़ा खीर बनाना सिखाऊंगी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने चावल ले लिए, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने चावल ले लिए। इसको हम लोग साफ़ धो लेंगे और तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। तो इसको मैंने साफ़ धो लिया और 1 घंटे के लिए मैं इसको रख रही हूँ। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब एक मैंने पतीले में जो है 1 लीटर तक दूध ले लिया। इसमें 3 अदद इलायची डाल देंगे। इलायचियों की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसमें मैं 3 अदद इलायची डाल दूंगी। दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हैं चावल कितने ज़बरदस्त तरीके से हो चुके हैं। ये देखें कैसे टूट रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों के चावल टूटने चाहिए ताकि खीर हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाए। दूसरी तरफ दूध में बॉयल आना शुरू हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब हम इसमें चावलों को डाल देंगे, जिसको मैंने हाथ की मदद से थोड़ा सा तोड़ दिया है। ये डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको ऐसे चम्मच को चला देंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसमें हम लोग एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि सीक्रेट है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारी ये खीर तैयार होगी। सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच जो हैं चीनी के ले लिए हैं। आप लोग हंस पे ज़रूरत कर सकते हैं। और थोड़ा सा पका लिया था मैंने इसको और इस कलर में मैंने चीनी को कर दिया है ताकि हमारी खीर का कलर बहुत ही ज़बरदस्त आए। अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आने लग गया है। ठीक है, ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर है। इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो चुका है खीर को पकते हुए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये पक रही है, बिल्कुल हल्की आंच पर। अब हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास है कुल्फ़ा। आप लोगों ने ये कुल्फ़ा इसमें डालना है। इससे जो है हमारी खीर का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। ये है वो सीक्रेट जो मैं आपको कह रही थी। ठीक है, ऐसे देखें कुल्फ़ा जो है मेल्ट होने लग गई है। जैसे जैसे ये मेल्ट होगा ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाएगी। तो माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है और ज़बरदस्त तरीके से खीर हमारी तकरीबन तैयार होने लग गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा घोटे की मदद से घोट देंगे। ऐसे आप लोगों ने थोड़ा सा इसको घोट देना है ताकि चावल जो हों वो थोड़े से इसमें घुल जाए। ऐसे माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तरीके से घोटे की मदद से मैं इसको घोट रही हूँ। ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से इसको मैंने घोट लिए हैं। अब मैंने जो है इसमें हम लोग थोड़ा सा इसमें मैं नारियल भी डाल दूँगी, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें नारियल डाल देंगे और थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, वो लास्ट में हम लोग डालेंगे गार्निश के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें डाल रही हूँ ऐसे। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसको मज़ीद पकाया है। मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैं इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह से खीर हमारी ठंडी हो चुकी है रूम टेम्परेचर में। ठीक है, अब खूबसूरत सा एक बाउल लेंगे, इसमें हम लोग खीर को निकाल देंगे। माशाल्लाह से तकरीबन आधे घंटे में हमारी ये खीर तैयार हुई है और बहुत ही गाढ़ी ये खीर तैयार हुई है। ये देखें कितना माशाल्लाह इसमें गाढ़ापन है। आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करने हैं। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए मैं थोड़े से इसमें बादाम ऊपर से गार्निश कर दूंगी और थोड़ा सा जो मैंने नारियल बचाया था वो इस पे डाल देंगे। बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है, आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।